बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आपके साथ मैं। सऊदी अरब इंटरनेशनल फ्लाइट्स के मतलब ही आप भाइयों को थोड़ी बहुत अपडेट कर दूंगा, यानी कि जो अभी के ताज़ा तरीन हालात चल रखी हैं इसी के ऊपर हम बात करेंगे। पहले तो ओमिक्रॉन का भाई खतरा फैल चुका था इस न्यू वायरस का, इसके चलते हुए सऊदी अरब में भी एक केस रिकॉर्ड हुआ और पाकिस्तान में भी एक केस रिकॉर्ड हो चुका था। और लोग ये सोच रहे थे कि अभी भाई फिर से पाकिस्तान की फ्लैट्स बंद ना कर दी जाएँ सऊदी अरबिया के लिए, जो कि बामुश्किल, बहुत ही मुश्किल मैं मराहल बोलूँगा इसको, जिससे आवाम को गुजार कर ये ओपन की गई हैं। क्यों, इसमें आपको पता है जी, आवाम को भाई एक साल का अर्सा हो चुका है पाकिस्तान में बैठे हुए, ऊपर से इकामा और छुट्टी नहीं बढ़ रहे हैं भाई। हमारे इकामा, हमारी छुट्टी बढ़े, हम सऊदी अरब में आए, अभी ये भी मसला साथ में चल रहा है और ऊपर से अभी ये एक नया मसला खड़ा हो चुका है। अच्छा, इकामा और छुट्टी के मतलब में कुछ वीडियो पहले ही तफसील के साथ आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अभी भाई सऊदी अरबिया में आज भी 100 से ज़ायद केस रिकॉर्ड हुए हैं, ठीक है जी। कल की बात करें तो 116 थे, आज 104 गालबन केस रिकॉर्ड हुए हैं इस वायरस के, ठीक है, न्यू वायरस के नहीं, उसी कोरोना वायरस के। तो इस चीज़ को देखते हुए अभी भाई बहुत से भाई चैनल्स के ऊपर मैं देख रहा था कि ऐसी न्यूज़ आ रही हैं कि अभी फ्लैट्स के मुतल्लिक मुश्किल हो सकती है अगर ये केस दोबारा से बढ़े तो। मुश्किल तो बिल्कुल हो सकती है उस टाइम जब ये भाई 1000 प्लस में होंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला अभी ये भाई 100-150 से ऊपर भी नहीं जाएंगे, इससे नीचे ही आएंगे इंशाल्लाह ताला आने वाले कुछ ही दिनों में। क्यों भाई, दोनों वैक्सीन की डोज लग चुकी हैं, बूस्टर डोज आवाम को लगाई जा रही है। आज ही मैं पढ़ रहा था कि 5 लाख प्लस बंदों को भाई बूस्टर डोज लगवा चुकी है, और मुझे खुद से ऐसा नहीं लगता है कि दोबारा फ्लैट्स बंद होंगी पाकिस्तान की, इंशाल्लाह ताला ओपन ही रहेंगी। हाँ, न्यू वायरस के केस ज्यादा रिकॉर्ड हुए वो भी पाकिस्तान में, तो फिर भाई इंटरनेशनल फ्लैट्स बंद की जा सकती हैं। लेकिन अभी की जो सूरत हाल है इसको देखते हुए बिल्कुल ऐसा कोई भी आपको बंदा बोल रहा है कि फ्लैट्स दोबारा से बंद हो सकती है तो आपके साथ ऐसे भाई झूठ बोल रहा है। क्यों, जो सूरत हाल चल रही है इसको देखते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि इंटरनेशनल फ्लैट्स सऊदी अरबिया की अभी पाकिस्तान के लिए ओपन ही रहेंगी।